नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिवेदी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खबर। हापुड़ के धलौना गांव पिपलेड़ा से है, जहां सड़क ना बनने से परेशान ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसे में मजबूरन हमें सड़क पर धान की रुपाई कर अपना गुस्सा जाहिर करना पड़ा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो सड़कों पर बागी लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके जिम्मेदार सिर्फ अधिकारी होंगे। सुल्तानपुर में 10 दिन पहले हुए हिस्ट्री शीटर की हत्या का पुलिस ने आज खुलासा किया है। पुलिस ने और एसओजी की टीम ने चार बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से असलाहा और बाइक मिली है। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पूरन तहसील परिसर में आज अधिवक्ता संघ के पूर्व प्रधानमंत्री कौशलेंद्र भदौरिया किसी काम से एसडीएम के ऑफिस गए थे। इस दौरान उन्होंने कुर्सी को खींचा और उस पर बैठ गए और आरोप है कि तभी एसडीएम ने उनको कुर्सी से उठकर खड़े होकर बात करने को कहा, जिसे नाराज अधिवक्ता ने इसकी जानकारी अध्यक्ष संजय सक्सेना को दी और नाराजगी जाहिर की। पूरा मामला आज कहता एक अधिवक्ता महोदय हैं भदौरिया जी, वो आए चैम्बर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बैठने के लेकर उनको लगा कि उनका जो है सम्मान नहीं किया, इसलिए वो गए। बाद में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महोदय और सभी अन्य सम्मानित अधिवक्ताओं की मौजूदगी में वार्ता करके जो एक मतभेद एक था उसे दूर कर लिया गया है, कोई समस्या नहीं है। आज न्यायालय का कार्य पूर्वक हो गया। जौनपुर सुब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हारे हुए सभी लोगों में मैं खुद भी हूं। राष्ट्रपति चुनाव में सभी लोगों ने वोट मांगा, हमने वोट किया। सपा नफरत की बात करती है, सिर्फ इसी कमरे में रहकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। सुर्खियों में रहने वाले हरैया तहसील के कर्मचारियों की एक और साजे सामने आई है। जी हां, तहसील के एक किसान मुख्यमंत्री सहित दर्जनों उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर गुहार लगा रहे हैं कि साहब मैं जिंदा हूं, लेकिन तहसील कर्मचारियों की मिली भगत से लिखे हुए पत्रों में उन्होंने मृत घोषित कर उनकी जमीन दूसरों के नाम कर दी गई। जीवित किसान को मृत दिखाकर उनकी जमीन अपने नाम करने से हड़कंप मचा हुआ है। हाँ, अभी मीडिया के माध्यम से खबर प्रसारित हुई थी, जिसका संज्ञान लेकर के तत्काल तहसीलदार से हमने वार्ता करी है। तहसीलदार के संज्ञान में बात आ गई है, उन्होंने कहा है कि साहब इस तरह के उनको निरस्त करके उसमें हम कार्रवाई आगे बढ़ते हैं। लेखपाल और कानगो के खिलाफ भी FIR की कार्रवाई और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण देखिए, प्रकरण ये था कि कोई विजय सिंह नाम के कोई व्यक्ति है, उनको जो है वरासत दिखा मृतक दिखा के वरासत कर दी गई है और सहसा के भाइयों ने ही कराया है। आई एम नॉट श्योर कि किसके लिए किसने कराया है, बट ये है कि किसी सगे संबंधी नहीं कराया है। तो लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई और इस आदेश को तत्काल निरस्त करके और फर्दर कार्रवाई कराई। खबर बस्ती के मुड़रेवा थाना क्षेत्र से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजेंद्र पेट्रोल पंप के सामने एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें द्वारिका प्रसाद चौधरी की तुरंत मौत हो गई। आपको बता दें कि 18 वर्षीय द्वारिका प्रसाद चौधरी धान की फसल की सिंचाई के लिए साइकिल से डीजल लेकर जा रहे थे। पीछे से कंटेनर की चपेट में आने से मौके पर उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहारनपुर में आज महानगर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी के नाम सौंपा। वहीं महानगर कांग्रेस कमेटी महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने बताया है कि कल्पना टाकिज के कुतबशोर थाने तक सड़क बनवाई जाए और हमारी सारी मांगों को पूरा किया जाए। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल DM साहब से हम मिलने के लिए आए थे, लेकिन ADM साहिबा मिली तो उसमें हमने कुछ मांगे रखी हैं, जैसे कि अभी ये सिविल लाइन का कार्य है, बड़ा कार्य है जो कल्पना टाकी से शुरू होकर SM इंटर कॉलेज तक, तो सिविर की बड़ी लाइन गिरी है और इधर कोर्ट रोड से उसको घंटाघर गांधी आश्रम से मोड़ दिया गया, उसको भी वहीं अटैच करने का काम किया है। उसमें DM साहब द्वारा ये अखबार के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि उसकी सड़क जल्दी बन जाएगी, उसमें आम लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को बड़ी दिक्कत का सामना कावड़ में करना पड़ रहा है कि एक तो सड़क ब्लॉक कर दी गई बीच में से, दूसरी बात है कि सड़क नहीं बनी, धूल मिट्टी का जो गुब्बार है
वो इतना परेशान कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सेहत पे भी फर्क पड़ता है और खासकर जो छोटे बच्चे हैं उन पे ज्यादा, महिलाओं पे ज्यादा फर्क पड़ता है। लखनऊ एसटीएफ ने पुलिस के साथ मिलकर स्मेक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से लगभग 1 करोड़ की स्मेक और कार बरामद की है। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह लखनऊ एसटीएफ के इंस्पेक्टर दिलीप कुमार के नेतृत्व में टीम तस्कर की तलाश कर रही थी। आगरा में घर बैठे पशु लाइसेंस बनवाने की सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगों ने भी इसमें लाइसेंस बनवाए। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। लगभग 6 माह से लर्निंग लाइसेंस में फेसलेस ड्राइविंग एलएल की स्कीम चल रही थी, जिसमें आवेदनकर्ता को लर्निंग लाइसेंस के लिए संभागीय परिवहन कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। उसी का फायदा उठा के कुछ लोगों ने लर्निंग लाइसेंस दिव्यांग व्यक्तियों ने बनवा लिए हैं। ऐसे 3 मामले अब तक संज्ञान में आए हैं और वस्तुस्थिति यह है कि ये संज्ञान में तब आए मामले जब ये स्थायी लाइसेंस बनाने के लिए बायोमेट्रिक्स के लिए और आरआई साहब के सामने उपस्थित हुए, तब ये मामले संज्ञान में आए। सर्वप्रथम तो ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों से अनुरोध है कि वो विशेष रूप से निर्मित गाड़ी को ही चलाने के लिए, जिनको एडाप्टेड व्यक्ति कहा जाता है, अधिकृत हैं, तो ऐसे व्यक्ति फेसलेस का फायदा न उठाएं, अन्यथा उन पर विधिक कार्रवाई भी हो सकती है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां मामूली बात को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर पथराव किया। घर में घुसकर मारपीट की और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पथराव में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।